The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello, आज हम बात करेंगे बच्चों में कोविड, रादर बच्चों में जो नया कोविड का स्ट्रेन आया है. हाउ इज इट अफेक्टिंग द चिल्ड्रन, इज इट अफेक्टिंग द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और नॉट, एंड एज पेरेंट्स व्हाट शुड यू डू. पास्ट के कोविड के स्ट्रेन को लेकर इस कोविड के बारे में अगर हम बात करें तो पीछे जैसे कोविड के जितने भी स्ट्रेन आए थे, MIS-C did affect the children, but COVID itself did not cause that much of problem. Mostly बच्चे asymptomatic थे, flu-like symptoms उनमें आए थे and it settled. हम इस बार भी यही expect कर रहे हैं. As far as 90% of the cases will go normally, जैसे cough, cold, fever होता था, चला जाएगा. So my advice to the parents would be not to panic. इट विल देख कर कोई नहीं बता पाएगा ये कोविड है या नहीं. डेफिनेटली यू वुड हैव टू गेट इट टेस्टेड, बट मोस्टली बच्चे में इतनी सेवरिटी नहीं पाई गई है, ना पहले पाई गई थी ना अब पाई जा रही है. बट आपको हेल्प कब सीख करनी है, चाहे वो रात का टाइम है या दिन का टाइम है, आपको इमरजेंसी में कब जाना है अगर आपके बच्चे का हाई ग्रेड फीवर नॉर्मल फीवर की मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर पेन एब्डोमिन हो रहा है, साथ में लूज स्टूल्स हो रहे हैं, स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, यू डेफिनेटली नीड टू सीक हेल्प. बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहा है बच्चा, सिक हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, लेथार्जिक यानी कि बिल्कुल ही सुस्त पड़ा है, डल हो गया है, यू डेफिनेटली नीड सम फ्लूइड थेरेपी एंड डेफिनेटली नीड टू गेट इट चेक. बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस लेने की जो गति है वो बढ़ चुकी है. ये कुछ वार्निंग साइंस हैं विच यू नीड टू लुक इन टू, विच यू नीड टू रिमेम्बर, और इनको आपको ध्यान रखना है. अदर देन दैट यू रियली शुड नॉट पैनिक. जैसे पुराना कोविड निकल गया था, दिस विल ऑल्सो पास, सो डोंट पैनिक.